अब सुनते हैं पाठ मेरे बचपन के दिन। लेखिका हैं महादेवी वर्मा। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वो मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहां छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉसवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे अपनी तुकबंदी, छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे।
मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे, और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल की कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वो मेरे डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी, और इस तरह मुझे कविता करने के लिए और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। जेबुन इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोली, जेबुन कहती थी। नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए।
बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बनवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरे नेल ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं उनके घर में वे अवधि बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वो सपना ही था। आज वो सपना खो गया। शायद वो सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती।